मॉर्निंग एवरीवन। जी गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? अच्छा जी, हम लोग पहुँचे थे जी रात को, कोई 3 बज गए थे और लिटरली पता चला था कि आप स्वीडन में इंटर हो गए हैं। इतनी ठंड, एकदम से मौसम चेंज हो गया था। खैर, आज मौसम बहुत अच्छा है। सुबह के 9:30 ऑलमोस्ट हो चुके हैं और हम लोग बस ब्रेकफास्ट बिल्कुल रेडी है। फिर देखते हैं ब्रेकफास्ट पे बात होगी, आज का हमारा प्लान क्या है, तो आगे चल के फिर आपको बताते हैं हमारा आज का क्या प्लान है। जी गाइस, तो ब्रेकफास्ट हमारा हो गया जी, बिल्कुल पाकिस्तानी स्टाइल वाला, पराठे और कीमा और उसके बाद खीर। तो अब हम लोगों का प्लान ये बना है जी, हम लोग जा रहे हैं, हमारी एक आंटी हैं उनके घर पे हमारी जो है दावत है, लंच उनकी तरफ है। तो चलें निकलते हैं, तो फिर आपको रास्ते में स्वीडन की सैर कराते हैं। बहुत अच्छा मौसम है। Brother was saying me when we was taking breakfast today. So he was saying which side you are going. I said Orsunda. I want to show them. So he said there is a place before Orsunda. It's a tourist place. Yes, they have a restaurant and grill and open gym for Salim if you want to gym. Oh my God. It's a open नहीं, gym. अभी नहीं, अभी ये के साथ करूंगा, टूर खत्म हो जाए। Yes. जी गाइस, यार ये जगह तो काफ़ी ज़बरदस्त सी एक हमें दिखी है, या आई थिंक सी साइड है, और हवा बहुत ज़्यादा चल रही थी तो इसलिए मेरी आवाज़ जो है, मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा बाद में इसका। तो बहुत ही खूबसूरत जगह है और सी साइड, यहाँ का पानी मुझे पता नहीं क्यों एक कलर ब्लैक सा है, क्योंकि पानी जो हमारा यहाँ इटली में जितनी भी सी साइड हमने देखी है, सबका जो पानी का कलर है वो ब्लू होता है, आसमान के जैसा। यहाँ आसमान ब्लू है लेकिन पानी का कलर कुछ अजीब सा लग रहा है। चलें करीब से जाके देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे 10 मिनट की एक ब्रेक लेंगे, थोड़ा रुकेंगे 15-20 मिनट और फिर हम आगे चलते हैं। यार यहाँ से एक कार्ड लेना था, गोप्रो का जो है ना मेमोरी कार्ड, उसमें रिकॉर्डिंग का टाइम रह गया था कम और कार्ड मैं भूल गया घर पे। तो हम लोगों ने कहा चलो एक मॉल पे रुकते हैं यहाँ, तो यहाँ से कार्ड भी ले लेंगे और एक मॉल का एक छोटा सा टूर भी कर लेंगे। तो ये है जी यहाँ का मॉल, और यहाँ से हमने कुछ शॉपिंग भी की थी, एक दो टी शर्ट्स ली थी, सेल वेल कुछ अच्छी चल रही थी इनकी।
जी जिस रोड से हम यहाँ सैंडविकन से यावले से सैंडविकन और सैंडविकन से अब हम बोलनेस जा रहे हैं, और ये रोड जो है ये बहुत पहले से ट्रेडिंग के लिए यूज़ होता है, जिसकी वजह से इसको ओरिजिनल रखने के लिए यहाँ की गवर्नमेंट ने इसमें चेंजिंग्स नहीं की है। तो जितने भी कर्व्स आप देखेंगे वो सब आज से 200, 300, 400 साल पहले से एग्जैक्टली उसी कंडीशन में। तो हम साथ साथ आपको और भी चीज़ें दिखाएंगे यहाँ। कैसे हैं आप लोग? हम लोग जी जा रहे थे सैंडविकन से यावले। ये स्वीडन की जो सिटीज़ हैं ये उनके नाम हैं। सैंडविकन में मेरे कज़न रहते हैं, तो हम लोग उनके पास आए हुए थे। हम लोग अभी जा रहे हैं यावले। यावले एक सिटी है यहाँ की। तो यहाँ रास्ते में एक बड़ा ख़ूबसूरत सा मंज़र था, तो मैंने कहा यार इसको ज़रा कैप्चर करते हैं, देखें कैसे ब्रिजेस हैं, लकड़ी के हैं और हल्का सा स्लिपरी भी है, बड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा मुझे। बहुत ख़ूबसूरत लग रहा है, बड़े बड़े जो दरख्त हैं और कितनी खामोशी, सकून। पौला वहाँ पे अपनी वीडियोस बना रही उसको भी एक वीडियो बनानी थी। यहाँ ये मौसम यहाँ का बहुत अच्छा है। यहाँ पे जी आप ये समझ लें कि और एक महीना रह गया है, सितंबर अक्टूबर से यहाँ बर्फ़ शुरू हो जाएगी। तो जब बर्फ़ पड़ रही होती है तो फिर यहाँ का जो माहौल है ना, वो बिल्कुल ऐसा होता है कि सब वाइट वाइट, बिल्कुल वाइट हो जाता है हर तरफ। और ये पानी जो है ये बिल्कुल जो है वो हो जाता है, जैसे कि आप लेक जो है बिल्कुल बर्फ़ से ढक जाती है। तो अभी इनके लिए बड़ा ही अच्छा मौसम है यहाँ का। जो स्वीडन के लोग हैं ये सिर्फ 2-4 महीने ही ऐसे मौसम को एंजॉय कर पाते हैं। कल हम लोग सी साइड पर गए थे तो वहाँ पे लोग 12-13 टेम्परेचर है लेकिन वो लोग नहा रहे थे, तो बड़ी अजीब सी बात हमें लगी। क्योंकि हम लोग तो सी साइड पर जाते हैं, यहाँ इटली में जब होता है टेम्परेचर 30+ हो जाता है तो फिर हम लोग जाते हैं सी साइड वगैरह पे एंजॉय करने के लिए। तो चलें अब निकलते हैं, टाइम बहुत कम है हमारा। एक लंच है, एक हमारी आंटी हैं उनके यहाँ, तो वो लोग भी वेट कर रहे हैं। जब इस हाथ पे कहीं आएगा ना तो मैं फिर उस पे रोक। तो ये क्या है 70-85 में ये रोड चल रहा था, ये तब से चलता है, मतलब ये इतना पुराना रोड है। तो उन्होंने अच्छा। अब ये लगा दी है ताकि लोगों को पता चले कि ये जो रोड है ना ये कोई नया रोड नहीं बना, यानी ये लाइन पूरी। इसीलिए इन्होंने इसके जो कार्स वगैरह है ना खराब नहीं किए, जो चल रहे थे। अब आप नए अच्छा, तो इसका ये मतलब है कि जी ये जो रोड है जो आप देख रहे हैं अभी, ये 1785 में भी ये रोड था। था ये, और ऐसा ही था जैसा आप देख रहे हैं। आज भी ऑफ कोर्स उसकी जो मेंटेनेंस है वो तो होती होगी, लेकिन जो इसके कर्व्स हैं, जो इसका रूट है, जो इसका डिजाइन है वो सेम था। और ये जो घर बने हुए ये देखें आप, ये पॉसिबली ये सब खूबसूरत घर है, 100 years 200 years 100 साल तकरीबन पुराने घर होंगे, 200 साल। तो ये
सारा जो है एक जंगल जैसा है। अब जानवर है यहाँ पे या नहीं? जी यहाँ पे आपको मिलेगा, वो मूस कहते हैं यहाँ लोकल लैंग्वेज में। एली मिलेगा? एली जी जी, मूस इंग्लिश में सॉरी कहते हैं, एली कहते हैं उसको यहाँ। एली एली, और वो काफी बियर भी हो सकता है। एली क्या खतरनाक भी है? एली एक्चुअली जैसे आप समझ लें कि घोड़ा है ना, इस तरह का है, सींग बना दो बस, घोड़े को आप सींग लगा दे बड़े बड़े से, तो वो डेंजरस है। डेंजरस वो आप पे हमला नहीं करता, लेकिन अगर वो आपकी गाड़ी से टकरा जाए तो काफी डैमेज होती है आपको, क्योंकि काफी बड़ा होता है। तो भाई एली से बचना, एली खतरनाक है गाड़ी के साथ। अच्छा हाँ, वो मैंने एक पिक्चर देखी भी है, देखी होगी, वो बर्फ में होता है, वो ज्यादा उनको पसंद। ये तो यहाँ तो बिल्कुल वाइट हो जाता होगा जब बर्फ पड़ती होगी। Exactly. ये इतना खूबसूरत होता है, आपको जमीन भी वाइट, दरख्त भी वाइट, आसमान भी वाइट, आपको लगता है आप किसी रुई के अंदर घूम रहे हैं पहाड़ में। वाह, बहुत खूबसूरत होता है। तो चलें जी, हम लोग कोशिश करेंगे कि जनवरी या फरवरी में एक विजिट दोबारा करें स्वीडन का, तो उसमें आपको हम लोग फिर दिखाएंगे यहाँ पे जो वाइट होता है जब बर्फ पड़ती है सारी। ऑफ कोर्स पौला तो मुझे नहीं लगता कि आएगी क्योंकि पौला को सर्दी बिल्कुल पसंद नहीं है। देखते हैं जनवरी में शायद फिर हम लोग आएंगे, फिर हमारा प्लान है नॉर्वे का भी, तो फिर देखते हैं। आप लोग इंजॉय करें इस व्यू को, बहुत खूबसूरत लग रहा है। मुझे नहीं पता कैमरे में कैसा आ रहा होगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे इस वक्त हो तो फिर आपको अंदाजा होगा कि क्या है, आप कितनी खूबसूरत ये नेचर लग रहा है आपको। पूरा दरख्त जो है ये बहुत ही, ये भी बड़े पुराने होंगे दरख्त आशिर? ये जी मतलब चेंज होते रहते हैं, सारी बात है, कुछ तो अंदर की तरफ होंगे पुराने। मैं यहाँ रुक रहा हूँ ताकि हम इसको कैप्चर कर सकें। ये जो प्लेट्स है यहाँ पे, ये ग्रेस सैंड ब्लू। अच्छा, अब यहाँ पे एक हमें जगह मिली थी कि जहाँ हम लोग रुक सकते थे एक 5 मिनट के लिए, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का। ये जो यहाँ एक बोर्ड है, एक साइन देख सकते हैं आप कि ये सैंड बीकन, आशिर आपको बताता है, ये सैंड बीकन और यर्बो के बीच की जगह है। हाँ, इसके राइट साइड पे यर्बो जगह है और लेफ्ट साइड पे सैंड बीकन है। अच्छा, आप कह सकते हैं कि यहाँ पे सैंड बीकन खत्म हो रहा है और आगे जो है यर्बो शुरू हो रहा है। और ये 1943 तीन साल पहले का, मैं समझ लें आज़ादी से जो पाकिस्तान आज़ाद हुआ था ना 1947 में, तो ये उस वक्त भी ये रोड ऐसे थे। देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, ये बड़े बड़े दरख्त और ये सारा जो व्यू है, नाइस रियली, बिल्कुल एक नेचर, एक जंगल है। अब वो एली ना आ जाए कहीं से, एली नहीं है अभी यहाँ पे, एली सो रहा है चले आगे चलते हैं। जी मिड ऑफ अगस्त के अंदर यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से अलाउड होता है कि आप एली का शिकार कर सकते हैं। अच्छा, और उसके लिए ये होता है कि लोग जो है वो जिनके पास लाइसेंस्ड आर्म्स होते हैं वो ही सिर्फ कर सकते हैं, हर कोई नहीं कर सकता। आपके अच्छा। पास उसका स्पेशल लाइसेंस होता है। Okay. तो ही आप जो है उसको कर सकते हैं, फिर उसकी पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं आप। इसका मतलब ये हुआ कि एली खतरनाक रही है, एली के लिए हम लोग खतरनाक हैं, हम लोग उनके लिए खतरनाक हैं। हमारे लिए वो उसी सूरत में खतरनाक है कि अगर वो गाड़ी के साथ टकरा जाए। अच्छा, अगर गाड़ी से टकरा जाए, क्योंकि वो गाड़ी के अंदर स्क्रीन जब ये टूट जाती है तो वो अंदर आ जाते हैं, और चूंकि जानवर इतनी जल्दी हाँ, तो वो तो जाहिर है वो डरा हुआ होता है, वो फिर आपको हिट करता है या निकलने के लिए कोशिश करता है, तो वो फिर इंसान की जान चली जाती है। हम तो उसका मुकाबला नहीं कर सकते एक जानवर के साथ। चले अब आगे चलते हैं, यहाँ कुछ थोड़े थोड़े फासले पे जो है लोगों के घर भी बने हुए। आई थिंक जो यहाँ पे जो फार्मर्स हैं, आई थिंक उन लोगों के घर होंगे वो। यस यस, जो यहाँ पे कुछ काम वाम अपना करते होंगे, कुछ रहते भी यहीं पे होंगे। ये रोड है 272। यस, और
आशिर से थोड़ी बात करेंगे, यहाँ की लाइफस्टाइल क्या है, यहाँ जो जब बर्फ़ पड़ती है तो ज़िंदगी कैसे गुजरती है, क्योंकि आशिर को यहाँ पे हो गए हैं ऑलमोस्ट 17 साल। एक और पॉइंट आ गया है तो मैंने यहीं पे फिर आशिर से भी थोड़ी बात करते हैं और स्वीडन की लाइफ कैसी है ये आपको बताएंगे। एरियाज हैं ये देखें, बहुत ब्यूटीफुल एक और जगह मिल गई, तो ये भी जबरदस्त है, हम रुकते हैं थोड़ी देर ये देखें। अच्छा यहाँ पे हम लोग रुके हैं, ये आशिर आपको गाइड करेंगे यहाँ का जो है पिकनिक पॉइंट के बारे में। ये यहाँ पर पूरे स्वीडन से लोग आते हैं समर में, एक्चुअली अभी तक यहाँ समर ही चल रहा है जबकि वेदर एक्चुअली समर का नहीं है, बट स्टिल लोग जो हैं वो समर ही कंसीडर करते हैं इसको। और ये एक छोटा सा पिकनिक पॉइंट है यहाँ, जहाँ पर पूरे स्वीडन से लोग आते हैं और दूसरी कंट्री से भी आते हैं, और वो यहाँ पर अपनी कैरेवन्स को यहाँ पार्क करते हैं, स्टे करते हैं 1 वीक के लिए, 10 डेज के लिए, इट्स डिपेंड्स। अच्छा लग रहा है, बहुत खूबसूरत जगह है ये। यहाँ नहाने के लिए जगह है, आप देख रहे हैं बहुत जबरदस्त है यार, बहुत जबरदस्त है, समझ लें आप जमीन पे जन्नत है। जी इस जगह का नाम है मिडस्कोग्सखर्न, जिसका मतलब स्वीडिश में होता है कि जंगल के दरमियान के अंदर एक रिवर या झील। मिडस्कोग कहते हैं जंगल को, मिड कहते हैं दरमियान, तो जंगल के बीचों बीच पानी कर सकते हैं। और ये यहाँ पर एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट भी है जहाँ आपको ऑलमोस्ट 24 आवर ये खुला रहता है, क्योंकि लोग यहाँ पर रुके हुए हैं अपनी अपनी कैरवेंस के अंदर, और यहाँ से ये लोग खाना भी बाय करते हैं और शाम में यहाँ इंजॉय भी करते हैं। आप देख रहे होंगे कुछ लोग यहाँ पर अपनी कैरवेंस के साथ खड़े हैं ऑलरेडी यहाँ पर। यस तो चलें नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। आपके पास एसी आने से पहले मेरी ये एसी एसी कर देता है। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे भी एक पिकनिक पॉइंट है, यहाँ पे भी आप अपनी गाड़ी में स्टे कर सकते हैं, और यहाँ पे हल्की सी धूप है, और अभी हम लोग जा रहे हैं सेंट वीकन से यावले, नहीं सॉरी हम सेंट वीकन से सोधरहम जा रहे हैं, सोधरहम यावले नहीं जाएंगे पहले वो, नहीं नहीं यावले वाला रूट हम इसलिए नहीं ले रहे कि वहाँ से हमें फिर ऑटो स्ट्रादा मिलता हाईवे रोड, हम चूंकि हाईवे रोड से नहीं जाना चाह रहे, हम चाहते हैं कि हम इस छोटे रोड से जाएं ताकि हमें ज्यादा छोटे छोटे जो एरियाज हैं वो भी देखने को मिल सके, हाईवे पे तो कुछ खास नहीं होगा। ठीक है तो यावले स्किप किया है हमने, हम सैंड वीकेंड से बोलनेस जाएंगे और बोलनेस से फिर सोधरहम हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है, हम वहाँ जा रहे हैं। ओके सोधरहम एक और सिटी है, मैंने तो आज ही नाम सुना है। सोधरहम का मतलब आशीष से सुनते रहते थे, सैंड वीकेंड यावले कुछ, ये दो जो है नाम सुनते रहते। सोधरहम जो है वो एक और है जहाँ पे एक हमारी आंटी है, अभी हमारा लंच उनके साथ है। यस तो पहुँच के फिर देखते हैं क्या पाकिस्तानी होगा। ऑफ कोर्स आंटी खाना बड़ा अच्छा बनाती है, आशिर मुझे बता रहा था। जी 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 वो भी आप अपने व्लॉग में डालिएगा, बहुत अच्छा खाना बनाती है और आंटी ने बड़ी डिशे बनाई होंगी आज। पहुँच के फिर देखते हैं क्या है। यस चले थोड़ी देर में फिर दोबारा बात होती है, और ये रोड आप इंजॉय करें, ये वही जो रोड चल रहा था 1975 वाला, 1785 वाला जो है ये वही है, बड़ा खूबसूरत लग रहा है ये। आप इसके कर्व्स देख रहे हैं, निकली हुई है, और जब बर्फ पड़ती है फिर तो ये और भी खूबसूरत लगता है। जी गाइस तो यार मुझे लगता है कि स्वीडन का जो है वो हमें Part 3 जो है वो भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि अब ऑलरेडी 22 मिनट्स की ये वीडियो हो चुकी है और अभी काफ़ी कुछ है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, बहुत ही खूबसूरत है, और मुझे समझ नहीं आ रही मैं कौन सी जगह को स्किप करूँ और कौन सी जगह आप लोगों को दिखाऊँ।
तो अब ये करते हैं जी, वीडियो काफ़ी लंबी ना हो जाए इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि यार इसका पार्ट 3 जो है वो भी बना लेते हैं। तो चलें नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग, नेक्स्ट व्लॉग में हम लोग आपको दिखाएंगे आंटी ने क्या बनाया था, और था बहुत ही टेस्टी आई एम श्योर, बिकॉज मैं तो खा चुका हूँ ये तो वॉइस ओवर बाद में हो रही है। तो चलें ठीक है जी, नेक्स्ट व्लॉग में फिर हम आपको लंच और उसके बाद का जो हमारा जो प्लान था वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अगर हो सके तो शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।